ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज हम देखने वाले हैं मीले मशीन को मूर मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीले मशीन का जो टेबल होता है उसमें 5 कॉलम होते हैं एंड मूर मशीन के टेबल में 4 कॉलम होते हैं। इट मीन्स आपको 5 कॉलम वाले टेबल को 4 कॉलम वाले टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये मीले मशीन है एंड आपको मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम मीले मशीन को डायरेक्ट मूर मशीन में कन्वर्ट ना कर मीले मशीन को पहले हम इंटरमीडिएट मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम इस इंटरमीडिएट मीले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देखते हैं कैसे करते हैं। पहला स्टेट है आपका Q1, देन आपको देखना है कि Q1 स्टेट है एंड आपका इनपुट E=0 है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एंड देन आपका Q1 स्टेट पे ही अगर आपका इनपुट अगर 1 हो रहा है तो आपका आउटपुट 1 ही आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि Q1 स्टेट पे आपका इनपुट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आपका आउटपुट फिक्स है कि 1 ही आएगा। यहां पर भी 1 आ रहा है एंड यहां पर भी 1 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट वाले टेबल में Q1 लिखोगे, ठीक है। एंड जो फाइनल जो मूर मशीन का जो टेबल है उसमें आप क्या लिखोगे, Q1 स्टेट पे आपका आउटपुट क्या रहा है, 1, क्योंकि इसमें जो आउटपुट का जो कॉलम होगा उसमें आप आउटपुट सीधा 1 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आपका Q1 स्टेट पे आपका आउटपुट फिक्स है कि आपका इनपुट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट 1 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेट है आपका Q2 पर देखिए, Q2 स्टेट पे अगर आपका इनपुट 0 होता है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 1। एंड Q2 स्टेट पे अगर आपका इनपुट 1 होता है तो आपका आउटपुट आता है 0। इट मीन्स Q2 स्टेट से आपका आउटपुट 1 भी आ सकता है एंड 0 भी आ सकता है। Q2 स्टेट से आपका आउटपुट 2 आ सकते हैं, 0, 1 या 0, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कौन सा है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे स्टेट जिसमें आपका आउटपुट 2 आए, जैसे Q1 में तो सिंगल आता था तो आपने सिंगल लिख दिया, लेकिन Q2 में आपका आउटपुट वेरी कर रहा है, 1 या 0 दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है। ऐसे स्टेट को क्या करेंगे, हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे, Q2 स्टेट पे 0 आउटपुट आ रहा है एंड Q2 स्टेट पे 1 आउटपुट आ रहा है। कैसे लिखा, Q2 स्टेट पे 0 आउटपुट, Q2 स्टेट पे 1 आउटपुट। यही चीज को आपको फाइनल मूर मशीन वाले टेबल में भी लिख देना है, Q2 स्टेट पे 0 आउटपुट, Q2 स्टेट पे 1 आउटपुट। Q2 स्टेट पे 0 आउटपुट है, इट मींस इसके सामने आउटपुट क्या होगा, 0। Q2 स्टेट पे 1 आउटपुट है, इट मींस इसके सामने आउटपुट क्या होगा, 1। ठीक है, आप देखें। देन अब आप देखते हैं थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट क्या है, Q3 है। Q3 स्टेट पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। कब, जब आपका इनपुट 0 है। एंड Q3 स्टेट पे आपका आउटपुट आ रहा है 1, जब आपका इनपुट 1 है। इट मींस Q3 स्टेट से आपका आउटपुट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है। तो इसको भी आप स्प्लिट कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट भी वेरी कर रहा है, 0 एंड 1 2 हो रहा है। तो आप इसको भी क्या लिखिएगा, Q3 स्टेट पे आपका आउटपुट क्या रहा है, 0, एंड Q3 स्टेट पे आपका आउटपुट क्या रहा है, 1। देन इसी चीज को आप इसमें फाइनल मूर मशीन का जो टेबल है उसमें भी लिख दीजिए, Q3 स्टेट पे आउटपुट 0 एंड Q3 स्टेट पे आउटपुट 1। Q3 स्टेट पे आउटपुट 0, इट मींस आपके आउटपुट वाले कॉलम में 0 होगा एंड Q3 स्टेट पे आउटपुट 1, Q3 स्टेट पे आउटपुट 1, इट मींस यहां पर 1। देन आपका लास्ट स्टेट क्या, Q4 स्टेट पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है एंड इसमें भी देखिए Q4 स्टेट पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है। इट मींस Q4 स्टेट से आपका आउटपुट 1 आएगा, आपका इनपुट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका Q4 से आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। इट मींस आपको इसको स्प्लिट नहीं करना है, Q4 पे आपको एक ही स्टेट रखना है इंटरमीडिएट वाले में एंड फाइनल वाले में क्या करना है, Q4 पे आउटपुट 1, इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। यहां तक तो हमने कर दिया, अब आपको ये वाले कॉलम भरने हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है, Q1 यहां पर भी है, Q1 पे आपका 1 आ रहा है। Q1 को तो आप स्प्लिट किए नहीं हो, इट मींस आपका Q1 को तो एज इट इज लिख देना है। लेकिन देखो Q2 स्टेट, आपने Q2 यहां पर तो Q2 है लेकिन इस टेबल में तो Q2 कुछ है नहीं, आपका क्या है, Q2 0 एंड Q2 1 है। तो आपको इन दोनों में से क्या लिखना है, ये डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या है। Q2 स्टेट पे आपका आउटपुट 0 है तो आप क्या लिखोगे, Q2 स्टेट पे आपका आउटपुट 0, ये वाला लिखोगे, Q2 स्टेट पे आपका आउटपुट 0 एंड आप आउटपुट एज इट इज लिख दोगे 0। फिर Q4 पे देखो,
इसमें आपका Q4 है क्योंकि आपने Q4 का स्प्लिट नहीं किया है, तो Q4 को तो Q4 लिख दो एंड इसका आउटपुट 1 है, एंड इसको भी Q4 पे आउटपुट 1, Q4 पे आउटपुट 1 एंड Q21 भी वही होगा क्योंकि Q20 एंड Q21 दोनों सेम है, हमने बस तो स्टेट एक ही है था इसमें, हमने बस इसको स्प्लिट किया है, तो एज इट इज जो Q20 वाला था वही Q21 हो, इट मीन्स इस चीज को आप कॉपी कर दो बस, Q4 1 Q4 Q4 1। अब आपका थर्ड स्टेट आता है Q3 पे अगर इनपुट ए आता है A2 पे आपका अगर इनपुट 0 आता है तो 1 आ रहा है, A2 पे 1 आ रहा है, इट मीन्स आपको Q2 आपको इसमें क्या है स्प्लिटेड है, Q20 एंड Q21, तो दोनों में से कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है कि इसका आउटपुट क्या है, जैसे Q2 पे आउटपुट 1 आ रहा है इट मीन्स आपको ये लेना है Q2 पे आउटपुट 1 एंड आउटपुट आपका 1 है। फिर Q3 भी देखिए आप इसमें क्या है, Q3 आपका स्प्लिटेड है, Q3 0 एंड Q3 1 है, तो आप क्या लिखोगे Q3 पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है तो आप क्या लिखोगे Q3 पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है एंड 1, ये कैसे लिख रहे हैं ये ध्यान में आपको आ रहा है ना कि Q3 पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है, इट मीन्स आपको ये वाला लिखो Q3 पे आपका आउटपुट 1, Q3 पे आउटपुट 0 वाला नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि Q3 पे आउटपुट आपको 1 आ रहा है, एंड ये वाला देखो Q3 पे 0 एंड Q3 पे 1 दोनों सेम चीज है, इट मीन्स आप क्या करोगे इसी चीज को एक बार और कॉपी कर दोगे Q2 1 1 Q3 1 1। अब आपका फाइनल स्टेट आ रहा है Q4, लास्ट स्टेट है Q4, Q4 पे देखो Q3 पे 0 एंड आपके इस टेबल में Q3 नाम का कोई स्टेट नहीं है, आपका क्या है Q3 पे या तो 0 है, Q3 0 एंड Q3 1 है, तो दोनों में से आप कौन सा लोगे ये डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है 0, इट मीन्स आपको क्या लेना है Q3 पे 0 लेना है एंड आउटपुट आपका 0, एंड Q1 1 Q1 तो आपका एक ही स्टेट है, इसको तो स्प्लिट हमने किया नहीं है, तो Q1 पे 1 1, ये आपने बना लिया इंटरमीडिएट मिले मशीन। अब आपको क्या करना है मूर मशीन बनाना है, तो मूर मशीन में क्या कीजिएगा, ये जो इनपुट ए इक्वल टू 0 है एंड इनपुट ए इक्वल टू 0 ये वाला जो स्टेट है इसको एज इट इज इसमें कॉपी कर देना है, ठीक है, तो Q1 पहले Q1 फिर Q4 Q4 Q21 Q2 पे 1 Q2 पे 1 एंड Q3 पे 0 एंड देन आपका इनपुट ए इक्वल टू 1, तो ये देखिए ए इक्वल टू 1 पे जो स्टेट है ये वाले ए इक्वल टू 1 पे जो भी स्टेट है ये इन सारे को आपको एज इट इज यहां पर कॉपी कर देना है, Q2 पे 0 Q4 Q3 1 Q3 1 एंड Q1। इस तरह हमने क्या किया मीले मशीन से मूर मशीन को कन्वर्ट कर दिया। लास्ट फाइनल स्टेप आपने देखा ना क्या करना है, इनपुट ए इक्वल टू 0, तो इसमें इनपुट ए इक्वल टू 0 में जो भी स्टेट होगा ये जो स्टेट वाले कॉलन है उसको आपको क्या करना है एज इट इज इसमें कॉपी कर देना है, एंड इनपुट ए इक्वल टू 1 में क्या करना है इनपुट ये इंटरमीडिएट वाले टेबल में देखेंगे हम, एंड इंटरमीडिएट वाले टेबल में इनपुट ए इक्वल टू 1 में जो स्टेट होगा उसको एज इट इज उठाकर आपको यहां पर क्या करना है कॉपी कर देना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मिले मशीन को मूर मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले क्या करेंगे बीच में एक इंटरमीडिएट वाले टेबल बनाएंगे एंड देन इस इंटरमीडिएट से हम फाइनल मूर मशीन बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड समझ में आया कि मिले मशीन से मूर मशीन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।